देखिए मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम बनाए, हमने कहा देखिए ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। अब ये नहीं कह रहा उसमें बाहर चार्ज है अंदर चार्ज, उससे मतलब नहीं है, ये प्लेट बहुत पतली है इसलिए चार्ज एक ही साइड में, इसके मान लेते हैं आगे पढ़ेंगे। ऐसे कैपेसिटर होता है, तो ये कैपेसिटर नहीं है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट। हमको सोचते हैं गर्मी छुट्टी में एक बार आर्ट सीख लें, तो लाइन सीधे खींच पाते हैं ना कुछ, क्या बताएं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। और यहां पर एक यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेता हूं यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है ई। तो सावधान, मोशन का मतलब हमको क्या निकालना है, उसका पाथ निकालना है। अब चाहे पाथ मोशन मतलब आप क्या निकालना चाहते हैं, पाथ आप चार्ज पार्टिकल, ये आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एक चार्ज पार्टिकल आपने यहां से एंट्री कराया, अब नेचर तो मानना पड़ेगा आपको कि प्लस है माइनस, तो हमने कहा देखिए प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल यहां से एंट्री कराया और यहां से वी राशि से एंट्री कराया। अब ये बताओ जिस डायरेक्शन में वो एंट्री कर रहा है इसका नेचर आप फिलहाल माइनस मान लो, तो मैं ऊपर जाने में ठीक रहेगा। ये बताइए जिस डायरेक्शन में ये एंट्री कर रहा है क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है। जैसे ही वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारा, पर नीचे से एंट्री मरवाओ, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये वी वेलोसिटी से एंट्री मारा, जैसे एंट्री मारा फील्ड किधर दिखाई पड़ा, तो क्या करेगा, हाय ऐसे भाग जाएगा, गिर नहीं जाएगा, साइकिल तुम जा रहे हो है, अब कोई खड़ी स्कूल लड़की, अरे सीता मुड़ गए तो तुम तो नीचे चले गए, ऐसे नाम है मतलब सीता, मतलब सीता माता वाला बात नहीं है। तो यानी कि ये कैसे मूव करेगा, यानी ये ऐसे मूव करना शुरू कर जाएगा ना ऐसे, और जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगा वहां से सीधे बाहर निकल जाएगा, ये होगा ना। यानी वो ए पॉइंट से एंट्री किया है और मैं मान लेता हूं कि वो बी पॉइंट पे पहुंचा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस कवर की है और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस कवर की है, और ए से बी तक जाने में उसको टी टाइम लगा है। अच्छा फोर्स कितना लगा है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ऑन द चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स लग रहा है, चार्ज पार्टिकल एफ बराबर कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई, कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो इसका मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लग रहा है। अच्छा जब फोर्स लगेगा और चार्ज पार्टिकल के पास मास होगा, कुछ तो मास होगा ना इसका, तो यानी उस पर एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा, त्वरण त्वरण हो जाएगा, तो उस पर एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ अपान एम, यानी क्यू ई अपान एम। अब हमने माना कि पार्टिकल कहां पहुंच गया है, ए से बी तक, कितना टाइम लगा उसको, टी, तो ए से बी तक उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस कवर की है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में नींद आ रही क्या, ऐसा देखा जुकाम है, हाँ तब तो बंदे रखो आजकल जुकाम, तो किसी के सामने अगर छींक दो तो ऐसा देखता है जैसे लगता है अगर उसको अंजूक हो तो कहो गोली मारते, ऐसा देखा है मैंने। कल थोड़ा सा हल्दी वाला दूध पीजिए, हल्दी अच्छी नहीं लगती होगी, दवाई खा अच्छी लगती है। अब देखिए पहले तो आप बात करेंगे फॉर द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, कैसा मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी। देखो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो एंट्री मारा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी थी, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, एक्स, उसके बाद टाइम कितना लगा, टी। अब बताइए डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम इनको आपस में रिलेट करना है, किस इक्वेशन में इसको रख दें, आपने क्वेश्चन ऑफ मोशन पढ़े होंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस एट सी ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो किस इक्वेशन में इसको रख दिया जाए, जरा बताइए, हैं
किसमें रख दिया जाए? जब एक्सलेशन नहीं है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जब एक्सलेशन नहीं होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम रख दिया जाए, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बोले तो एक्स, वेलोसिटी बोले तो वी, टाइम हो गया टी, तो टी की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, एक्स अपान वी, एक्चुअली टी को गायब करना है हमको, यही क्वेश्चन नंबर वन हो गया। समझ गई बात? अब बात करेंगे फॉर द वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, जरा समझने की कोशिश करो सावधान। जब एंट्री किया था, जैसे एंट्री किया था क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन था उसका, तो जब उसको फोर्स लगा तब वो घुमा ना, जब इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, आप कह सकते हैं वर्टिकल वेलोसिटी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ऊपर की ओर जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट कितना उसका हुआ है, वाई, टाइम कितना लगा है टी, और एक्सेलरेशन उसके पास था ए की वैल्यू थी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी है मतलब जीरो है तो है, टाइम है और डिस्प्लेसमेंट है, इसको किस इक्वेशन से जोड़ेंगे, सेकंड एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी बोले तो ए टी स्क्वायर, तो वाई इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बोले तो वाई, यू हो गया जीरो प्लस हाफ, ए की वैल्यू क्या भी निकाली क्यू ई अपॉन एम, ए की वैल्यू क्या निकाली क्यू ई अपॉन एम, और टी की वैल्यू हमने क्या निकाली एक्स अपॉन, एक्स अपॉन बी की वी अपॉन एक्स अपॉन बी है, तुमने वी अपॉन एक्स लिखा, जो मैथ लिए हो, देखिये मैथमेटिक्स वालों के लिए कोई छूट नहीं है, तो एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर आप लिखेंगे एस, टी इज इक्वल टू क्या है एक्स अपॉन वी। अब देखिए वाई इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू ई अपॉन एम इंटू वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, क्यू प्रपोज, क्यू इज ए कॉन्स्टेंट, जिस चार्ज को आप एंट्री के रख रहे हो तो रास्ते में तो नहीं चार्ज उसने भर लिया होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन और आ जाओ, ई कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले से फिक्स कर रखा है, मास उसका कॉन्स्टेंट है, वी भी उसका कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वी कहां पर है, बाहर है, बाहर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है अभी, बट वी कब चेंज होगा, जब फोर्स लगेगा, तो वो तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है ना, तो यानी ये पूरी चीज कॉन्स्टेंट है, तो वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो गया। और इस प्रकार का इक्वेशन जहां पर, ये इक्वेशन टू डाल दो, जहां पर एक्स और वाई में एक क्वाड्रेटिक हो, द्विघाती हो और एक लीनियर हो, तो ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, आप आगे पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे हियर वाई इज लीनियर एंड एक्स इज क्वाड्रेटिक, सो इट इज अ पैराबोला, सो पाथ विल बी पैराबोलिक। क्या लिखेंगे, हियर वाई इज लीनियर, लीनियर बोले तो इसकी पावर वन है, एंड एक्स इज क्वाड्रेटिक, एक्स इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, सो पाथ इज पैराबोलिक, पाथ इज पैराबोलिक। जरा यहां तक पहुंचे फिर हम आगे एक और बात करते हैं, नोट करिए। जरा इस क्वेश्चन टू को दोबारा देखिए, अगर यहां से आप क्यू अपान एम निकालिए, यहां से क्यू अपान एम निकालिए, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज और मास का रेशियो निकालिए, तो जरा निकालिए इसको, इधर ले आओ तो क्या आएगा, टू इधर आएगा, टू वाई एम, सॉरी एम तो अपान में, वी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और कुछ आएगा, ई आएगा, ठीक है। यहां Q अपान M किस पर डिपेंड कर रहा है, Y पर डिपेंड कर रहा है। देखो X फिक्स है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है बस, ठीक है, लेकिन ये चीज वेरी कर रही है कि आपका जो चार्ज है ना कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, ठीक है, यानी कि Q अपान M किसके प्रोपोर्शनेट है, Y, और Q अपान M को क्या कहा जाता है, चार्ज टू मास रेशियो, इसका एक निक नेम भी है, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, यानी जिसका वाई ज्यादा उसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा, ठीक है। अब जरा एनसीईआरटी का 1.14 न्यूमेरिकल नंबर हम देखते हैं, क्योंकि उसी के लिए हमने इस कहानी को बताया था, तो साथ ही देख लेते हैं, देखो जरा, ठीक है, तो आप
यहां तक पहुंचे, फिर हम बात करें 1.14 न्यूटन की। इस क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है फिगर दिखाता है ट्रैक्स ऑफ द थ्री चार्ज पार्टिकल्स, तीन चार्ज पार्टिकल के रास्ते दिखा रहा है, ध्यान से समझिएगा। चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिव द साइन ऑफ थ्री चार्जेस। अब साइन ऑफ थ्री चार्जेस तो देखने से मालूम हो गया, ये भाई साहब जो पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं उनका नेचर कैसा है, निगेटिव। यानी ये चार्ज आपका जो है वो निगेटिव चार्ज है, ये चार्ज आपका निगेटिव चार्ज है, ये चार्ज आपका, ये तो क्लियर हो गया। फिर आपसे कह रहे हैं कि विच पार्टिकल हैज द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो हाइएस्ट किसका है, जिसका वाई ज्यादा है, तो कौन ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, ये भाई साहब ज्यादा ही नीचे आ गए ना, थर्ड वाला ज्यादा वाई डिस्प्लेस हुआ। भाई नियमता ये अगर मिडिल पॉइंट ये मान लें तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है, वाई जिसका ज्यादा हुआ है, ठीक है, यानी उसका चार्ज टू मास रेशियो। भाई एक तो होता है कि भाई गए और हीरो हीरोइन वहां डांस कर रहे हैं और दूसरा ऐसे ऐसे कर दिया, वो भी ऐसे ऐसे करती है, और कुछ बिल्कुल साथ में गए, आए कैसी हो, जैसे अमर सिंह घुस जाता था वहां पर, तो अमर सिंह का नाम सुने हो, वो बहुत हीरो हीरोइन के पास रहता था, तो मर गया, बहुत बिजनेसमैन था, उसके जूते में बताते सोने की पॉलिश थी, बताते हम जानते नहीं, अगर सोना आप पैर में पहनोगे तो तब तो दिमाग खराब ही हो जाएगा, समझ में आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि थर्ड चार्ज का वाई ज्यादा है, तो जब न्यूमेरिकल लगाएंगे आपको लिखना पड़ेगा, वी नो दैट द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, ये होता है चार्ज पार्टिकल पाथ, उसमें क्यू अपॉन एम इस पर डिपेंड करता है वाई पर, क्योंकि वाई उसका ज्यादा है इसलिए उसका पाथ, उसका क्यू अपॉन एम ज्यादा होगा, इसको एक और नाम क्या लेते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, 99% नाम आता है स्पेसिफिक चार्ज, मुझे मालूम है कि आपको क्यू अपॉन एम मालूम है कि नहीं मालूम, कर लेंगे, ठीक, नोट करिए उसको।